दोस्तों अगर आप लोग अपने फोन में व्हाट्सएप यूज करते हो और आप वहां पर फोटो वगैरह शेयर करते हो या आपके पास कुछ फोटो वगैरह आते हैं, तो आज इस वीडियो में आपको 3 जबरदस्त ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिनको देखने के बाद आप सभी लोग काफी चौंक जाओगे और आप यही बोलोगे कि व्हाट्सएप की काश ये तीनों ट्रिक हमें फोटो को शेयर करने से पहले पता होती, क्योंकि ये तीनों ट्रिक आज आप सभी लोगों के लिए काफी जबरदस्त होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज यार एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने के बाद साथ में जो आपका बेल का आइकन है उसको जरूर दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको व्हाट्सएप की फर्स्ट ट्रिक बताता हूं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी जबरदस्त है। अब देखिए आपके पास व्हाट्सएप पर काफी ग्रुप होंगे और काफी आपके ऐसे फ्रेंड होंगे जो आपको हर बार इमेज वगैरह सेंड करते हैं। ये जो ट्रिक है वो सिर्फ इमेज आने के लिए है, तो आप इस ट्रिक को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो उन ग्रुप के अंदर या आपके जो दोस्त वगैरह थे वो आपके पास कुछ अडल्ट टाइप के इमेज सेंड करते हैं, तो ऐसे में अगर आप उन इमेज को डाउनलोड कर ले या आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाए और आपका कोई भी फैमिली मेंबर देख ले तो उसमें आप लोग काफ़ी परेशान होते हो क्योंकि उनको वो आपके कुछ अडल्ट टाइप के जो इमेज होते हैं जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ अलग तरह के, तो उससे आपको काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करनी होती है। बट अब आप अपने फ़ोन में एक ऐसा सीक्रेट लॉक लगा सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी इमेज आएगा तो वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि व्हाट्सएप में ओपन करूँगा, अब यहाँ से मैं इसको क्लिक किया अब देखिए यहाँ पर देखिए कुछ अलग टाइप के इमेज यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक कुछ इस तरीके से वो सभी इमेज कवर हो जाएंगे। तो थोड़े बहुत जो अडल्ट हो गए वो आपको शायद ना कवर, बट यहाँ पर अगर आप सेंसिटिव बढ़ा लोगे तो आपके हर इमेज जो अडल्ट टाइप के हैं वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, क्योंकि आपके काफ़ी दोस्त वगैरह हैं जो आपके पास कुछ अडल्ट टाइप के इमेज भेजते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये एप्लीकेशन उनको ऑटोमेटिकली कवर कर लेगा। तो अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर को ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको टाइप करना होगा कवर। देखिए ये वो ऐप है, इस ऐप का आइकन भी देख लेना, आपको इस ऐप को ओपन करनी है, बस कुछ परमिशन अलाउ करनी है और देखिए आपके फ़ोन के अंदर जितने भी इमेज है वो ऑटोमेटिकली सभी इमेज को स्कैन करेगी। गैलरी के अंदर भी अगर कोई भी अडल्ट टाइप के फोटो होंगे तो उनको भी वो स्कैन करके हाइड कर देगी। तो काफ़ी जबरदस्त ऐप है, इस ऐप का आप डाउनलोड जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको व्हाट्सएप की दूसरी ट्रिक और खतरनाक समझाने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं बैक जाता हूँ, यहाँ पर देखिए आप जब भी अपने दोस्त को किसी को भी फोटो शेयर करते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक करूँ, अब इसके बाद यहाँ पर मैं कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करूँ तो कुछ इस तरीके से हमारी इमेज जाती है। बट अब आपको क्या करना है, आपको कोई भी अगर इमेज आपको सेलेक्ट करनी है तो आप यहाँ से इमेज को सिलेक्ट कीजिए कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एक वन का आइकन मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और इसको आपको शेयर कर देना है। अब देखिए आपका फोटो कुछ इस तरीके से आएगा, अगर कोई भी बंदा मान लीजिए आपको इंपॉर्टेंट फोटो भेजना चाहते हैं, अगर उस बंदे के पास वो फोटो जाएगा सिर्फ एक ही बार वो इस फोटो को देख पाएगा, जैसे कि उस फोटो पर कुछ इस तरीके से क्लिक करेगा तो यहाँ पर ये फोटो ओपन है। बट अगर वो भेज जाएगा तो उसके बाद देखेंगे फोटो उसका दोबारा से ओपन नहीं होगा, सिर्फ एक ही बार वो बंदा आपके उस भेजे हुए फोटो को देख सकता है। तो चलिए अब मैं आपको व्हाट्सएप की तीसरी काफी जबरदस्त सेटिंग समझा दूं। अब देखिए जैसे कि आप किसी को भी फोटो वगैरह शेयर करते हैं तो क्या होता है कि जैसे आप फोटो शेयर करते हैं तो वहां पर उनको अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती, जैसे कि आपने कोई फोटो कैप्चर किया था उसके बाद अगर व्हाट्सएप पर शेयर करोगे तो उसकी क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो उसके लिए आप क्या करना है, आपको यहाँ पर 3 डॉट पर जाना है, इसके बाद आप सेटिंग पर जाइए। अब यहाँ पर देखिए आपको मिलता है स्टोरेज एंड डाटा, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन जाएगा फोटो अपलोड क्वालिटी, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और इसको आप बेस्ट क्वालिटी पर सेलेक्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा, अगर कोई भी इमेज आप अपने दोस्त को सेंड करोगे तो वो हाई क्वालिटी में जाएगी, उसकी क्वालिटी लो नहीं होगी। तो ये तीनों सेटिंग थी, आपको जो भी सेटिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ जान लीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिए। दोस्तों फिर मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।